परसेंटा वॉशरूम में अवेलेबल के पैदा नहीं होते, और अगर दो चार पैदा होते भी हैं तो कब देखते कि उनके जानशीन पैदा हो और अपनी काली जगह छोड़कर चल देते हैं। अपनी कौम के उन लोगों को दिए जिनके दम से आज हमारी आबरू कायम है, देखिए कि उनकी एक एक करके उनकी सब मिटती जा रही है और कोई नहीं जो उनकी जगह लेने के लिए आगे बढ़े। कौमों के मरने और जीने का एक उसूल है जो हमारे मौजूदा फलसफों किल्लत कसरत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम सिर्फ सरों को गिनने के आदी हो रहे हैं, हालांकि जिंदगी सरों से नहीं बल्कि दबावों से होती है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जल्द है जैसा कि तारीख के आईने में अगर शफाफ नजरें डाली जाए तो हर तबके फिक्र में बलूचिस्तान अपने मखसूस अंदाज में पहचाना जाता है। इन मौजों में भी ये लड़की कभी गुंडागर्दी के पोशाक में नहीं थी। ऐसे कई नाम हैं जो बलूचिस्तान के छोटे छोटे वादियों से जन्म लेकर आलमी पर्दे में अपना नाम तकिया जलाने में न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि दिगर लोगों के लिए मशालेदार बन चुके हैं। उनमें से एक नाम अता शाह का है। वो उर्दू और बलूची दोनों जबानों की शायरी में कमाल पंथ के मेराज पर विराजमान नजर आता है। हाँ, शायरी में उनकी कामत कोह से भी बुलंद है। मैं वो कादर की गुम कुदरतों में मैं वो शायर के छुपे रतों में। उर्दू अदब के तीन बड़े नाम जिन्हें शोरा के साथ साथ दानिश्वरी का खिताब भी मिला है, मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज और अता शाद है, जिन्हें आज तक लोग समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। फैज ने अता शाद के बारे में संगम में कुछ यूं कहा है कि मैं उर्दू अदब से इसलिए मुतमैन हूँ कि यहाँ अता शाद जैसे लोग शायरी कर रहे हैं। अता ने कभी नाराबाजी नहीं की, कभी वाज नहीं किया, बल्कि अपनी और अपनी धरती की बोली बोलते थे। हमेशा बलूचिस्तान बनकर बोलता था, इसलिए उनकी शायरी में जगह जगह आपको यक बस्ता चटाने, खूब काकर, इंजीर का पेड़, दश्त सहरा, बगलों का सुतून, रेगजा पर फैली हवाएं, हसारों के लंगर और शरद माने इम्कान जैसे मुतअद्दिद तराकीब और मौजू पढ़ने को मिलते हैं। घर के बाहर है ज़मिस्तान बहुत सर्दी है, घर के बाहर है ज़मिस्तान बहुत सर्दी है, यहीं रह जाओ मेरी जान बहुत सर्दी है। दूर तक कोई नहीं यहाँ के शराबे में अदा, दूर तक कोई नहीं यहाँ के शराबे में अदा, ये शरद माने इम्कान बहुत सर्दी है। फिक्री पर बहुत वसी है और 20वीं सदी में पहुंचने वाले बेकार अजाब को जीत रहे हैं। ताहम आसाब जिंदगी और इंशा के इस दौर में भी उनकी शायरी थके हुए लहजे में गुफ्तगु नहीं करती। एक तमाना आवाज है जो उम्मीद की किरण तामे आगे बढ़ रही है। तारीखी के तरह हमेशा आवाज उठाने वाले फिक्री जंतु अता शाह ने कभी हार नहीं मानी। खत्ते में सरदारियत हो या साम्राज्यत, सिस्टम की हर बुराई के खिलाफ अता ने बोला था, बल्कि बलूचिस्तान बनके बोलते थे। हुक्म हाकिम, दरिया पार किए तो सच्चे, डूब गए तो झूठे चेहरे, 100 बेड़े रखने वाले ये मेरे सरदार का हुक्म है, कूद पड़ो। उर्दू के ऐसे शायर जो कभी लफ्जों के गुलाम नहीं थे, बल्कि लफ्ज उनके इजहार में रुकावट नहीं बनते थे, क्योंकि इनके पास लफ्जों का वसी जखीरा मौजूद था। सोचूं तो शुआओं से त्राशूं तेरा पेकर, झूलूं तो वही बर्फ का इंसान ही रह जाए।
शूरी तौर पर हताशा अपने क्लास की शायरी के इमेज को बदलकर अपनी जमीन, उसके रंग रूप, उसकी तारीख, अपने इसका और अपने तजुर्बे की बात करता है। कभी उसकी शायरी में बलूचिस्तान, बलूच, चिल्तन और बोलान का जिक्र आता है, तो कहीं कोसर की रवा और चश्मे के बोलने की बात होती है। शायद बलूची जबान, सकाफत, रस्म रवाज, एहसास, इल्मी इजहार और इल्मी जदोजहद की अलामत है। अलामत इसलिए कि वो बलूचिस्तान के तमाम तबकों, जबानों और अदब दोस्तों के लिए एक अहद, एक जमाना, एक दौर है। शायद अपने हद के, अपने दौर के वली थे, जो हमेशा जुल्म के खिलाफ सच के लिए बोलते रहे, रास्ते दिखाए। हिम्मत हौसला अदा करने वाले ये शायर खुद अपनी इकदार, अपनी जमीन से कमिटेड था। मेरी जमीन पर एक कटोरा पानी की कीमत 100 साल वफा है। आओ हम अपनी प्यास बुझाएं, जिंदगियों का सौदा कर लें। बलूची जुबान के मालूम दानिश्वर डॉक्टर नेमतुल्लाह गिजगी ने कहा था, अता अपनी जात में एक अंजुमन था। उसने अपने खुदादार सराइत से बलूची जुबान में अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल राइज किया जो रहती दुनिया तक चलेगा। शाद को शायरी के अलावा ड्रामा नवेसी, अफसाना और डायरी लिखने में कमाल हासिल था, और एक अलग उसलूब के साथ उन्होंने अपनी फिक्र को एक जबान दी। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके अंतिम खिदमत पर सदारती परफॉर्मेंस का तमगा अदा किया है। शाह पर जिन हजरात ने रिसर्च का काम किया है, उनमें से क्वेटा से इरफान अहमद बेग का PhD मकाला, हकीम बलूच, श्वेत शाहवाला और अफजल मुराद का काम अपनी तारीखी हैसियत रखता है। एलएलयू दानिश ने शाह को उर्दू और बलूची जबान के दरमियान एक मजबूत पुल का नाम दिया है। शाह बलूची जबान का सुकरात है, जिसने हमेशा सच्चाई को बयान किया। ये जिंदगी यहाँ खुशी गमों का साथ है, गमों का साथ है, रुला सको तो साथ दो, हंसा सको तो साथ दो। उन्नीस सौ 39 में सिंगानिसर तुर्बत में वाजा लाल खान के घर में पैदा होने वाले आकाशा 58 बरस की उम्र में दुनिया पानी से कूच कर गए और शालकोट के काशी कब्रिस्तान में दफन हुए। अब आकाशनासी का दौर आया है। हमारे इदारे और अकेडमियों को आकाशात पर काम करने की अशद जरूरत है। शायद ये सदी आकाशनासी की सदी होगी। डली जो शाम सफरे आपका खत्म हुआ, डली जो शाम सफरे आपका खत्म हुआ, किताबे इश्क का एक और बाब खत्म हुआ। वफा की राह में नकद जाई बाकी था, वफा की राह में नकद जाई बाकी था, सो इस हिसाब में ये भी हिसाब खत्म हुआ। अल्लाह इंसान बहुत सर्दी है, निर्जा होता है, जान बहुत सर्दी है। इशद कहते मैं उर्दू में प्रोफेसर सालम बेनू साहब के अदाशाह सराफ उसी के रिश्ता का वाणा है।